गाजियाबाद के कविनगर थाना क्षेत्र के सेक्टर 23 में बीती रात हुई बच्ची की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस घटना के आरोपी बसंत को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी बसंत ने पहले बच्ची के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया और उसके बाद बच्ची की हत्या कर दी। आपको बता दें कि बच्ची की उम्र महज 9 साल थी और बच्ची अपने माता पिता के साथ एक निर्माणाधीन बिल्डिंग के पास ही रहती थी। आरोपी बसंत ने शराब के नशे में इस घटना को अंजाम दिया और पोल खुलने के डर से बच्ची की हत्या कर दी। ये थाना कविनगर में कल रात लगभग 8 बजे एक डेड बॉडी की सूचना मिली थी, जिसमें कि थाने की पुलिस पहुंची। बॉडी को तत्काल हॉस्पिटल भेजा गया। उसके बाद वहां पे डॉक्टर्स ने उसे एग्जामिन किया तो उनके द्वारा ये बताया गया कि इस बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के बाद हत्या की गई है, जिसमें तत्काल थाना कविनगर की टीमें को लगाया गया घटना के अनावरण के लिए। ये घटना एक आईपीसी बिल्डिंग है, निर्माणाधीन बिल्डिंग है, उसकी थी। उसमें 6 फ्लोर पे बच्ची की डेड बॉडी मिली थी। जब टीमें आसपास के लोगों से पूछताछ करने लगी, कुछ एविडेंसेस वहाँ पे मिले, जिसके आधार पे बसंत नाम का एक व्यक्ति है जो कि वहीं पे लेबर का काम करता है, उसे गिरफ्तार किया गया। पूछताछ पे उसने बताया कि ये व्यक्ति वहीं का रहने वाला है जहाँ की ये पीड़ित परिवार था, और इसकी कुछ रंजिश थी उस परिवार से, जिसके क्रम में उसने ये घटना की। घटना करने के बाद इसने एविडेंस छुपाने का प्रयास किया था और वहाँ से घटनास्थल से ये निकल चुका था। उसके बाद इसकी गिरफ्तारी की गई, पूछताछ में इसने सारी बात बताई। इस पूरे क्रम में लगभग जितने भी वहाँ पे उपस्थित लोग थे, 200 से 250 लोगों से विस्तृत पूछताछ की गई, जिसके बाद इस व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई। 12 से 14 घंटे में थाना कविनगर ने इस घटना को वर्कआउट किया, जिसके लिए SSP सर द्वारा जिसमें 10,000 का इनाम भी इस टीम को दिया। आरोपी ने पूछताछ में क्या बताया, पहले उसने रेप किया या पहले उसने हत्या की? नहीं, पूछताछ जब की गई तो उसके द्वारा ये बताया गया कि पहले दुष्कर्म किया और उसके बाद हत्या केवल इस वजह से की गई थी। किस तरीके से सातवीं मंजिल पर लेके गया था, साथ में कोई और बच्ची भी थी? हाँ, सातवीं मंजिल, क्योंकि ये परिचित था तो बच्ची उसके साथ चली गई थी और सातवीं मंजिल पे उसे साथ में लेकर। सर, हत्या केवल इस वजह से की थी कि उसकी पहचान ना हो? जो पूछताछ में इसने बताया, हत्या का कारण यही था कि बच्ची उसके बारे में बता देती, इसलिए डर था।